हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मैं निहारिका सैनी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आपकी सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2020 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपकी NTPC ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, तो आपको यहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना है और PDF को डाउनलोड कर लेनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जावेद पायेंग। जो जावेद पायेंग है, इनको स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें जावेद पायेंग के बारे में, तो देखिए यह असम के पर्यावरण और वन कार्यकर्ता हैं और इनको फॉरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। और जो जावेद पायेंग है, इनको इससे पहले पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए इस पुरस्कार में उनको 1,00,000 की राशि दी गई है और ट्रॉफी दी गई है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय ने फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है किसने, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, दायर यासीन, मुख्तार खान, चनी आनंद। इन तीनों ने ही 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीत लिया है। अब यहाँ पर हम बात करें इन तीनों के बारे में, तो देखिए दायर यासीन, मुख्तार खान, चनी आनंद, ये तीनों पत्रकार न्यूज एजेंसी द एसोसिएट प्रेस के हैं। ओके, और यह अवार्ड इन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए जो निकेई एशिया पुरस्कार 2020 है, इसके लिए चुना गया है टी प्रदीप को। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए IIT मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को यह सम्मान नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन रिसर्च के लिए दिया गया है। वह हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भी प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि हाल ही में उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, टी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार होता है, जिसे 1981 में, यानी कि 1981 से पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले के लिए क्या दिया जाता है। और देखिए चमेली देवी जैन एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 एबल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो देखिए वर्ष 2020 का जो एबल पुरस्कार है, ये कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया टोटल 2 लोगों को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कौन कौन है ये 2 लोग, तो देखिए यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। जो पहला जो पुरस्कार दिया गया है वो हिलेल फुर स्टेबर्ग को दिया गया है, और दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है वो ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। तो इन 2 लोगों को 2020 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है। तो देखिए ये बन गई है सानिया मिर्जा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए 30 अप्रैल 2020 को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली सानिया मिर्जा पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और ये फेड कप हर्ट पुरस्कार कौन सा संस्करण है ये इसका, तो ये इसका 11वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस द्वारा उत्तरी कोरिया शासक किम जोंग उन उनको कौन सा स्मृति मेडल प्रदान किया गया है। तो देखिए ये क्या गया है, कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में, तो देखिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मृति मेडल से सम्मानित किया है। और देखिए ये स्मृति मेडल नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं कौन सी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग कैरियर अवार्ड 2020 किसे मिला है। तो देखिए जो यंग कैरियर अवार्ड 2020 है ये किसको मिला है, तो ये मिला है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए सौरभ लोढ़ा IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। ओके, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए ये जो अवार्ड है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, यह मशहूर तार्किक व वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला मशहूर बायोलॉजिस्ट व लेखक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर 2003 में इसको शुरू किया गया था। ओके, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये जीती है किसने, सखरियाज मामेदी रोव ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, सखरियाज मामेदी रोव ने हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शेख रियाज मामेद दिवरो ने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 को जीता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रतन लाल। रतन लाल ने हाल ही में अमेरिकी मूल के व्यक्ति ने क्या जीता है, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीत लिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को प्रारंभिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। तो देखिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 है, इसका जो पहला पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार, ये कौन से राज्य ने जीता है, तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिया गया ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज विभाग ने जीत लिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वह जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वह नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये सम्मानित किए गए कौन, रोहित शर्मा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, और इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख के पुरस्कार दिए जाता है। और देखिए इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए ये कहाँ से है, तो ये नीदरलैंड की लेखिका है। और देखिए इन्हें इनकी कौन सी पुस्तक के लिए ये अवार्ड दिया गया है,
तो इनकी पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में इशिका चौधरी को एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? 2019 में जो भौतिकी नोबेल पुरस्कार है ये जीत लिया है जेम्स पेबल्स ने, मिशेल मेयर ने, डीडीएर क्विलोज ने। तो इन तीनों ने ही 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, अब यहाँ पर देखिए बात आई है नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो यहाँ पर हम सभी के बारे में डिस्कस करते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो देखिये ये तीन लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो को दिया गया है। साथ ही अमेरिका के माइकल क्रेमियम को भी ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए, तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को देने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन गुडइनफ, ब्रिटेन के स्टेनली विटिंगम और जापानीज वैज्ञानिक अकीरा योशिनो को चुना गया है इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया है? तो देखिए कनाडा अमेरिका के जेम्स पीपल्स, स्विट्जरलैंड के माइकल मेयर और डीडीएर क्विलोज को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और हम बात करें साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ये एक व्यक्ति को दिया जाएगा, तो ये कौन से हैं? पीटर हैंडिक। ओके, तो सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये किए गए हैं कौन? सर्वानंद सोनोवाल। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया कौन सी? पैरासाइट मूवी को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है? तो देखिए ये किया है किसको? पलेला गोपीचंद को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पलेला गोपीचंद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्या किया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस भारतीय ने इसराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीत लिया है गीता सेन ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में तंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 से किसे मिला है? तो ये मिला है किसको? सुपर 30 को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए इस पुरस्कार का आयोजन गैर सरकारी संगठन दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार आयोजित करता है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 के जो विजेता हैं उनका आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। तो देखिए बेस्ट फिल्म जो है, इस जो बेस्ट फिल्म पुरस्कार है इसके विजेता है सुपर 30, अभी मैंने आपको बताया है। और देखिए बेस्ट एक्टर के जो विजेता हैं, इनकी बेस्ट एक्टर जो पुरस्कार है उसके विजेता है कौन? ऋतिक रोशन। और बेस्ट रियलिटी शो के विजेता कौन है? तो वो है बिग बॉस 13। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये जीत लिया है किसने, एडलिन कैस्टिलो ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडलिन कैस्टिलो ने 2020 यानी कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें तो देखिए ये कर्नाटक के मैंगलोर से रहने वाली हैं। इस अवार्ड यानी कि ये जो अवार्ड है ये मिस दीवा यूनिवर्स भी कहा जाता है। इस अवार्ड को क्या कहते हैं, मिस दीवा यूनिवर्स भी इसको कहा जाता है। यह इस साल के अंत में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मुंबई में उन्हें यह ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह ने पहनाया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया है? तो ये चुने गए हैं यूसुफ जमील। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पत्रकार यूसुफ जमील को 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया है। अब देखिए ये जो पेन आपका पुरस्कार का है, पेन इंटरनेशनल लेखकों का एक विश्व की वैश्विक संघ है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि इंटरनेशनल लेखकों का एक वैश्विक संघ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया है कंगना रनौत को। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और फिल्मकार करण जौहर तथा फिल्म निर्माता एकता कपूर को कला क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है, जो कि किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कंगना रनौत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया है? तो ये चुने गए हैं कुलदीप सिंह। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए 2017 का जो अवार्ड था ये वाला, ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था सुमन, गायिका सुमन को ये प्रदान किया गया था 2017 वाला। और देखिए इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार उसने 1984-85 में की थी। और देखिए इस पुरस्कार का नाम महान गायिका लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। तो इस बार ये दिया जाएगा, जो 2018 का दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा कुलदीप सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है फिल्म 1917 को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए फिल्म 1917 के निर्देशक कौन है, तो वह है सैम मेंडिस, इसके निर्देशक हैं। और उन्हीं को 120 भाषाओं में गाने वाली लड़की का नाम क्या है, जिसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड दिया गया है? तो यह है कौन, सुचेता सतीश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुचेता सतीश दुबे की रहने वाली एक भारतीय लड़की है जो 120 भाषाओं में गा सकती हैं और ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020 से इसे सम्मानित किया गया है। और देखिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी जो है वो अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में बच्चों की प्रतिभा और शक्ति का सम्मान करने वाला एक मंच है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुचेता सतीश। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने सितंबर 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है थ्योरी के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ओके, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।